गांधी की औलाद बनाती है। एमपी के देवतलाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुअरहा गांव में बीती रात 2 बजे 24 वर्षीय संतोष कोल का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल निर्मित हो गया। परिजनों द्वारा बताया गया, युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है और इसे छिपाने के लिए फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन जबरन सुबह 6 बजे आकर सबको उठाकर पीएम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों के अनुसार युवक की हत्या का कारण प्रेम प्रसंग है और लड़की पक्ष के द्वारा हत्या की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपियों पर 18 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने की स्थिति में मनगवा से मऊगंज जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग में मृत शरीर को रखकर चक्काजाम कर दिए। इस बात की जानकारी जैसे ही एसडीएम मऊगंज को हुई तो वह लौर थाना प्रभारी के साथ पहुंच गए और मृतक परिजनों के साथ जबरदस्ती करने लगे। जैसे इस बात की जानकारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को हुई तो तत्काल वह पीड़ित परिजनों के पास पहुंच गए और पीड़ित परिजनों के दुख में शामिल हुए। गांधी की औलाद बनाती है, गांधी की औलाद बनाती है। जो पुलिस वाले यहाँ फेंक के गए हैं, या एसडीएम मऊगंज भी आए थे जी, कोई ताकतवर होता तो उसके लिए खड़े रहते, संस्कार करवाते जी। आप सीधी की घटना में देखे कि शिवराज सिंह बुलवा के पैर धोए, ये लाश पड़ी है जी। किसी ने नहीं सोचा कि जब न माँ है न बाप है, इसका संस्कार कौन करेगा जी। पागल एक भाई है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आप देखिए कि पुलिस वाले रोड के नीचे रख के पटरी पे चले गए हैं, मन द्रवित है, लेकिन जो परिस्थितियां यहाँ तैयार कर दी गई है, भय का वातावरण बना दिया गया है कि कोई बोले ना, लेकिन कल भी कोई नहीं जो सत्य के लिए लड़ते थे। ये आदिवासी है जी, जी। जात के कोल है वो जी। कोल जिसके नाम पे ये वोट मांगते हैं और ये वोटर भी हैं, मतदाता भी हैं, लोकसभा विधानसभा और चुनावों में इनकी पूछ परख भी होती है, लेकिन आज लाश पड़ी है। संस्कार के लिए, कफन और दफन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो तक नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करा के कर रहे हैं, लेकिन क्या जिम्मेवारों ने पूछा इसका संस्कार कौन करेगा? माँ बाप कहाँ है? पंचनामा में घर के परिजन किसने दस्तक किया? और जो आप लोगों के द्वारा वीडियो दिखाया जा रहा है उस